लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से अविनाश के सर पर कुल मिलाकर 3 बार वार किया और उन्होंने स्पेसिफिकली ये बताया कि पहली चोट इतनी गहरी नहीं थी जिसकी वजह से अविनाश की जान चली जाती। चोट तो कुल मिलाकर 3 बार लगी ना। पहली चोट लगी जब अविनाश को दूर करने के चक्कर में बुलबुल ने अविनाश को धक्का दिया और सर जाकर लगा पलंग पर। बुलबुल ने फोटोज वीडियो डिलीट किया और बुलबुल चली गई इस कमरे से बाहर। इसके बाद बुलबुल का इस कमरे में वापस आने का कोई मोटिवेशन नहीं। बची दो चोट, वो दो चोट उठा, वो दो चोटें लगती हैं एक भारी ऑब्जेक्ट को फोर्स से सर पर मारने की वजह से जिसकी वजह से अविनाश की जान चली गई। सर इसका मतलब जब अविनाश की मौत हुई तब बुलबुल बाबी साहब यहाँ नहीं थे और सर एक मिनट के लिए मान भी ले वो यहाँ थे पर सर बुलबुल बाबी साहब का इतने भारी ट्राइपॉड से किसी पे वार करना आसान नहीं है सर, वो तो छोटे से हैं। इसका मतलब कोई और व्यक्ति आया था यहाँ जिसका हाइट अराउंड 5.5 फीट से 6 फीट से कुछ कम रही होगी और साथ ही साथ उसका वजन 80 से 90 किलो। लेकिन सर बुलबुल बाबी सर तो इतने लंबे नहीं है और इतने भारी भी नहीं है, इसका मतलब सर अविनाश का खून बुलबुल बाबी सर ने नहीं किया और कोई सी और ने किया जिसको जब भनक लगी तो या तो वो सबूत मिटाने यहाँ पर अपना लास्ट काम खत्म करने यहाँ आया और अविनाश होश में था और उससे बचने के लिए अपने बाकी के सारे सबूत मिटाने के लिए उसने भारी ऑब्जेक्ट से 2 बार और अविनाश को मारा, अविनाश की जान गई, फिर वो चुपचाप यहाँ से चला गया और सारा इंतजाम हो गया। Exactly, sir. मुझे ये तो पता चल गया है कि तुमने नहीं किया जैसे उसने गीता को ही मना किया था, भगवान साहब को बोला था कि मेरे काबिली के लिए मैं जो होगा वो करूँगी, मुझे चुप रहना पड़ा तो चुप करवा।